आहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद के कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें 7 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसके अंतर्गत कई जिलों में नगर पंचायतों की सीमा विस्तार को मंजूरी समेत कई अन्य प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। संबल में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप भानु पहुंचे। प्रताप भानु ने राकेश टिकैत को खुली चुनौती दी और उन्होंने कहा कि इसके अवैध धंधे हैं। राकेश टिकैत किसानों का नेता नहीं, किसानों को लूटने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वो किसान नेता है, उनकी जाँच की जाए। हैदराबाद में अमित शाह की सुरक्षा में चूक पर भानु प्रताप ने कहा कि किसी तरह की भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रतापगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी निर्मम हत्या मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर पीड़िताओं की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठक की, जिसकी अध्यक्षता नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और संचालक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष ने की। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जहांगीरगंज पुलिस और स्वाट टीम सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 4 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। लुटेरों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल और नकदी बरामद हुआ है। बता दें कि संयुक्त पुलिस टीम द्वारा PSC के बगल में खड़ंजा मार्ग ग्राम नरियाओ के पास पुलिस ने कार्रवाई की है। दिनांक 10/9/22 को एक दूध डेयरी वाला जो है कि दुकान बंद करके जा रहा था अपने घर को, उसी दौरान ये लोग 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 आदमी आए और उसको रोका, उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उन्होंने उससे 13,500 रुपये और उसका वीवो का मोबाइल था वो लूट कर उससे भाग गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस और सर्विलांस की टीम दोनों लग गई, इसमें चारों अभियुक्त पकड़े गए। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते गंगा में छलांग लगा दी, जिसकी सूचना उसने फोन पर परिजनों को दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और गोताखोरों ने युवती की तलाश शुरू कर दी थी। घटना के 36 घंटे बाद युवती का शव बरामद कर लिया गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने बताया कि किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मामले की जाँच जारी है। ये तेरापुर सौली गांव की एक युवती है नूरजहां, इनकी उम्र करीब 18-19 साल है। ये पारिवारिक कारणों से नाराज होकर और कुसुमखोर पुल है वहां से छलांग लगा के नदी में कूद गई। ये आज उनका शव मिला है, क्षेत्र में ही 10 किलोमीटर दूर मिला है और पंचायतनामा की कार्रवाई हो चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी तहरीर प्राप्त होगी परिजनों द्वारा और जो भी तथ्य आएंगे उसकी जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट बैठक में मंत्री परिषद ने 7 नगर पंचायतों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाई है, जिसमें जनपद अंबेडकर नगर के नगर पंचायत इल्तिफातगंज, जनपद अलीगढ़ के नगर पंचायत इगलास, जनपद इटावा के नगर पंचायत इकदिल समेत 4 अन्य नगर पंचायत शामिल हैं।
खबर राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र से है, जहां दो दिन पूर्व दर्ज एक बलात्कार के मुकदमे के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ लव इन रिलेशनशिप में रहता था, जिसके बाद प्रेमी के शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित युवती का आरोप है कि प्रेमी उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता है। लगातार हो रही बारिश और बैराज से छोड़े जा रहे पानी के चलते घाघरा और सरयू नदी खतरे के लाल निशान से 48 सेमीमीटर ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर से इस पर नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। वहीं बढ़ते जलस्तर के कारण ही दर्जनों गांव में पानी ने तबाही मचा रखी है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सहित गणेश चतुर्थी पर्वों को मनाने के बाद चर्चा में आई भाजपा से जुड़ी मुस्लिम महिला नेत्री रूबी आसिफ खान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिवस केक काटकर और प्रधानमंत्री की तस्वीर को केक खिलाकर मनाया है। वहीं इस अवसर पर अन्य मुस्लिम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रूबी आसिफ खान सभी हिंदू त्योहारों को मनाने के साथ नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करती हैं, तो गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा भी स्थापित करती हैं। आपको बता दें कि अपने इन्हीं कारनामों को लेकर रूबी आसिफ खान पर कई बार फतवे भी जारी हो चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो इस देश के हैं, आज उनका जन्मदिन दिवस था। हमने अपने आवास पर उनका जन्मदिन मनाया, केक काटकर उनको खिलाकर अपने सभी भाइयों के साथ में, मुस्लिम भाइयों के। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी तरह जो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं पूरे देश में, देश की पूरी काया पलट दी उन्होंने हिंदुस्तान की, इसी तरह पूरे देश में हमारे मोदी जी काम करते रहे हजारों साल जी। गोंडा के करनैलगंज स्थानीय कोतवाली क्षेत्र में विद्युत करंट से दो सगे भाइयों समेत तीन युवतियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद शव गांव में पहुंचा तो कोहरा मच गया। दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार सरयू घाट पर हुआ। इस दौरान एसडीएम और सीओ समेत भारी फोर्स तैनात रही। वहीं विद्युत सुरक्षा निदेशालय से इंस्पेक्टर और एसडीओ ने भी घटनास्थल का जायजा लिया, जिसके बाद बिजली विभाग के जेई के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं मामले की छानबीन जारी है, जांच के बाद युक्त कार्रवाई की जाएगी। हरदोई स्वास्थ्य विभाग हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। इसी क्रम में एक युवक की हरिया गांव स्वास्थ्य केंद्र पर जबरन नसबंदी करने का आरोप लगाया है। युवक ने बताया कि तैनात डॉक्टरों ने इस बात की शिकायत करने पर डॉक्टरों ने पीड़ित को परिवार सहित अस्पताल से भगा दिया, जिसके बाद युवक ने मामले की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी शिकायत की, साथ ही दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। बच्चा की पैदाइश हुई थी हरियाम अस्पताल में, 9 तारीख को हमारी, 10 तारीख को नसबंदी करवा दी गई जबरदस्ती। कैसे क्या कहा गया आपसे? आप हमसे कहा गया तो वो 5 लाख रुपए मिलेगा और नसबंदी करा डालो। हम पढ़े लिखे नहीं थे, आधा हमको लबा ले आधार ले आई और अंगूठा दस्तखत कराती रही कहीं तुम्हारा पैसा आएगा बच्चे वाला 1400 रुपये। हमको ऊपर वहाँ ले गए और उसमें कहीं भीतर घुसेड़ ले गए, कहीं सुई लगेगी, हम वहाँ से भागा है, फिर हमको सुरेश ने पकड़ लिया। उनका नसबंदी CSC पे धोखे से कर दिया गया है और दूसरा आरोप ये भी बता रहे थे कि उनको पैसा नहीं दिया गया, तो इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसको जांच के लिए थाना हरियाणा भेजा गया है और इसमें देखा जाएगा कि इनको पैसा मिला है नहीं मिला है। नहीं मिला है तो बात करके जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। हरदोई में एक टावर की बिजली ठीक करते समय संविदा कर्मी लाइनमैन की करंट
से झुलसकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कन्नौज बिल ग्राम मार्ग पर एक घंटे तक शव रख कर जाम लगाया। एसडीएम ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के परिवार वालों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की है। जो हमारा भाई था, ठीक है, उसने, मैं गया था दवा लेने अपने छोटे वाले भाई को, वहाँ मेरे को दवा दिलवाया। उसके बाद में एक इंसान ने इनके पास फ़ोन किया, बोला कि भाई लाइट हमारी संभाल के जाओ। जस्ट मैं घर पहुँच पाया तब तक यहाँ से फ़ोन गया कि भाई आपका भाई ट्रांसफार्मर से, मतलब लाइट से जल गया। खबर अलीगढ़ से है, जहां मुस्लिम समुदाय द्वारा चेहल्लूम का जुलूस भारी पुलिस बल के बीच निकाला गया। जुलूस की शुरुआत ऊपर कोट कोतवाली से हुई, जिसके बाद देहली गेट, फिर सरोवर क्षेत्र में घूमते हुए करबला पर जुलूस का समापन कर ताजियों को दफन किया गया। इस दौरान कई थानों के पुलिस बल के साथ पीएसी को भी तैनात किया गया था। चेहल्लूम 19 सफर है और चेहल्लूम शहर के अंदर एक दिन पहले होता है, और उसी सिलसिले में ये अभी जुलूस जो आप देख रहे थे, ये फूल चौराहे से आया है अभी यहाँ करबला तक, और अभी ख़त्म हुआ है। एक जुलूस अभी पीछे और आ रहा है बावरी मंडी से, वो भी यहीं आन के ख़त्म। गाजियाबाद के थाना खोड़ा इलाके में एक 16 वर्षीय युवती ने मनचले युवक और उसके परिजनों से तंग आकर फांसी लगा ली। सूचना पर परिजनों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को एक युवक और उसके परिजन काफी समय से परेशान कर रहे थे। बताया जा रहा है कि युवती की आत्महत्या से पहले युवक ने पीड़िता के पिता को धमकी भरे मैसेज किए थे। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली है। मामले की जाँच जारी है। खबर संभल से है, जहां नखासा थाना क्षेत्र में नाबालिग से उसके रिश्तेदारों ने दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता की मां ने जानकारी पर पंचायत पर लड़की का गर्भपात करा। आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग की। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही एक आरोपी मौके से फरार चल रहा है। संबल में घंटे भर की बरसात की वजह से भीषण जलभराव हुआ। बबराला के मेन बाजार और गुन्नौर थाना तालाब भर गया। नाले से उबाल मार कर गंदा पानी थाने में भर गया है। सितंबर महीने से लौट कर जाती बरसात में गुन्नौर और बबराल नगर पंचायत के जल विकास प्रबंधन की पोल खोल दी है। पूरी बरसात भर जलभराव पर अधिकारी कैमरे से बचते रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।